कुछ लोग मोदी को पसंद करते हैं, कुछ लोग मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार की अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और समय समय पर क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये वीडियो इन्हीं लोगों के लिए हैं जो क्यूरियस हैं जानने के लिए कि मैं जो आपको अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ वो सच में बनते भी हैं या नहीं, या फिर ये मोदी सरकार का और एक जुमला है। आइए जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक विशाल प्रतिमा है। करीब 3,000 करोड़ का यह स्टैच्यू नर्मदा नदी के किनारे बसा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में सरदार पटेल जी की 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर इसका इनॉग्रेशन हुआ। गिफ्ट सिटी। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि गिफ्ट सिटी का अपडेट क्या है, गिफ्ट सिटी तैयार हो गई या नहीं, या यह मोदी का और एक जुमला था। तो मैं आपको बता दूं, गिफ्ट सिटी ऑपरेशनल स्थिति में है, बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने बाकी हैं। देखिए, हम एक शहर का निर्माण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी परियोजना है, इसलिए इसमें समय लगेगा और शहर का निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। अभी आप आपके स्क्रीन पर गिफ्ट सिटी का मास्टर प्लान देख रहे हो और यह कुछ इमारतें हैं जिनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अटल सेतु। देश का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज, यह ब्रिज गोवा में मांडवी रिवर के ऊपर बना है। अटल सेतु का निर्माण कार्य जुलाई 2014 में शुरू हुआ था। फरवरी 2019 को इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ। ब्रिज की कुल लागत है 860 करोड़ और इसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पार्ट वन में मैंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में भी डिस्कस किया था। डीएमआईसी एक बहुत बड़ी परियोजना है और इसे ऐसे काउंटडाउन वीडियो में शामिल करना ठीक नहीं होगा। डीएमआईसी के अपडेट पर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें 1,10,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। 800 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम का निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था और 2020 में इसका उद्घाटन हुआ। स्टेडियम ने नमस्ते ट्रंप के उद्घाटन की मेज़बानी की 24 फरवरी 2020 को, जिसे आप सभी ने टीवी पर तो ज़रूर देखा होगा। As the great religious teacher, Swami Vivekanand। क्या मतलब? अब्बा डब्बा जब्बा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेगा प्रोजेक्ट्स पार्ट वन में मैंने नवी मुंबई एयरपोर्ट की भी बात की थी, पर हम इस प्रोजेक्ट को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन डेट 2021 है। अगर इस प्रोजेक्ट के अपडेट की बात करूँ तो अभी ज़मीन को समतल किया जा रहा है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से काम रुका हुआ था, पर इस मेगा प्रोजेक्ट का काम अभी फिर से शुरू हो चुका है, तो ये एक अच्छी खबर है। यह प्रोजेक्ट 2021 तक कम्प्लीट नहीं होगा, इतना तो पक्का है। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम डिले होता जा रहा है। एनीवेज, 2021 में और एक वीडियो बनाएंगे इस प्रोजेक्ट पर। बोगीबील ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल। हालांकि इस पुल का निर्माण अप्रैल 2002 में शुरू किया गया था, वाजपेयी सरकार के बाद 2014 तक बोगीबील ब्रिज परियोजना को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया।
इस पुल ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अधिक गति प्राप्त की और 25 दिसंबर 2018 को पुल का उद्घाटन किया गया। लगभग 5 किलोमीटर लंबा यह पुल असम के धेमाजी जिले और दिब्रुगढ़ जिले के बीच ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। अपने स्थान के कारण पुल भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ अपनी सीमा तक सैनिकों को ले जाने और आपूर्ति करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है और इसकी सेवा अवधि लगभग 120 वर्ष है। चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। इस ब्रिज की हाइट होगी 359 मीटर्स। यह ब्रिज कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ेगा। पुल 2019 के अंत में तैयार होना था, लेकिन यह कुछ कारणों से पूरा नहीं हो सका। इस पुल के पूरा होने की नई समय सीमा दिसंबर 2021 है। हालांकि पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन निर्माण स्थल चुनौतीपूर्ण है और इस क्षेत्र में आतंकवाद का भी खतरा बना रहता है। इसी वजह से पुल निर्माण में देरी हो रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।